ये जनाब मज़ार हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी हम पे लंगर बांट रहे हैं। देखें चल रही है लंगर की, यहाँ पे देखें सिलसिला नसब दर्ज है। यहाँ पे जनाब चश्मा मुबारक और चिल्ला मुबारक चला गया है। चश्मे का पानी हमने ले लिया है, इसको पीते हैं बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया है, तरफ ये चश्मा है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं क्लिफ्टन सैयद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़्यारत के लिए। तकरीबन 15 साल के बाद मेरा चक्कर लगा है, आज इस मज़ार की ज़्यारत करेंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है आज कल। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी हम आए हैं जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ और यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। हम पार्किंग यहाँ पे है, आगे चलते हैं गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, फिर जो है वो चलते हैं अंदर। देखो इस तरफ लंगर चल रहा है, लंगर बांट रहे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी के दरगाह की तरफ। चलते हैं अभी अंदर, हम यहाँ से आने का रास्ता है वापस। लोग लंगर लेने के लिए खड़े हैं, यहाँ पे लंगर बांट रहे हैं। देखिए चल रही है लंगर की, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे खड़े हैं। चलते हैं अभी अंदर, अंदर चल के देखते हैं क्या पोजीशन है। काफ़ी सालों के बाद आया हूँ, जब से ये नया मज़ार बना तो मेरा यहाँ पे आना नहीं हुआ। इससे पहले मैं आया था कई साल पहले, मतलब बचपन में, तब ये मज़ार ऐसे नया नहीं बना हुआ था। अभी बहुत चेंज हो गया है। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही दरगाह के अंदर आते हैं तो यहाँ पे तबरकात वगैरह मिल रहे हैं, इस तरफ भी देख सकते हैं आप, शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं, लंगर की दुकानें भी यहाँ पे हैं। और ये मज़ार है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का। आगे सिक्योरिटी गेट से अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपने अपने जूते वगैरह जो है ना वो उतारने होते हैं, तो जूते यहाँ पे हम जमा करवाते हैं। उधर जूते इनको दे देते हैं हम अपने, ये पॉकेट मिल गया जूतों का। अब चलते हैं आगे अंदर की तरफ। देखिए जी ये पूरी मज़ार है, इस तरफ से हम आपको दिखाते हैं। ये जनाब मज़ार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का। देखें इधर ऊपर जाना पड़ेगा, उस तरफ ये मस्जिद वगैरह भी बनी हुई है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ, मज़ार में ज़्यारत करते हैं और यहाँ पे अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं चारों तरफ। चलते हैं अभी ऊपर, अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर ऊपर मज़ार की तरफ और ज़्यारत करते हैं मज़ार की। सीढ़ियाँ बनी ऊपर जाने का पैसेज है, यहाँ से चलेंगे ऊपर। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, पहले भी होती थी लेकिन अभी ये सब नया बना दिया है कुछ साल पहले। और चलते हैं, यहाँ पे देखें सिलसिला नसब दर्ज है सैयद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का। ये आप देख सकते हैं विलादत की तारीख और शहादत की तारीख भी लिखी हुई है उनकी। चलते हैं अंदर मज़ार की तरफ और चल के देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ कमरे हैं उनकी भी ज़्यारत कर रहे थे। और मुबारक माशाल्लाह दरवाज़ा है ये, अंदर चलते हैं। दरगाह है जनाब, दरवाज़े आप देख सकते हैं।
सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उस तरफ ये मकबरा है जनाब सैयद हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का, बहुत खूबसूरत बना दी गई है मज़ार। और ख़वातीन का इस तरफ है रास्ता, मर्दों का इस तरफ है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के हयात के मुताबिक कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो जनाब चिल्लागा और चश्मे की तरफ जा रहे हैं, मज़ार से होके हम आ चुके हैं और चिल्लागा और चश्मा जो है वो इस तरफ है, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। आगे चलते हैं इस तरफ, देखते हैं चिल्लागा और चश्मे की इजारत करके आते हैं थोड़ी सी। इस तरफ है जी चिल्लागा और चश्मा, चलते हैं देखते हैं पीछे की तरफ। यहाँ पे जनाब चश्मा मुबारक और चिल्ला मुबारक चिल्ला जाए, चलते हैं आगे देखते हैं क्या है अंदर। पानी भी है यहाँ पे, पानी भी चश्मे का पीते हैं थोड़ा सा। और ये चश्मे का पानी बस बस चश्मे का पानी हमने ले लिया है, इसको पीते हैं बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पी लिया है यहाँ से हमने चश्मे का। यहाँ और भी मज़ारात हैं, मकबरे हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे हज़रत सैयद मासूम पाक। अभी चिल्लागा और चश्मे की तरफ चलते हैं और ज़ियारत करते हैं उनकी। इस तरफ है जी चिल्लागा और चश्मा, थोड़ा नीचे चला जाए। तरफ ये चश्मा है, तो जनाब ये था सैयद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। काफ़ी सालों के बाद मेरा यहाँ पे आना हुआ है, ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता। ठीक है, हमने फातिहा खानी वगैरह कर ली और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।